हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड पे अपनी फ़ोटोग्राफ कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आना होगा गूगल पे एंड सर्च करना होगा uitai.gov.in। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा होम। आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बुक एन अपॉइंटमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। बुक एन अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्दर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि जो भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। लाइक अगर आपको फ्रेश आधार कार्ड इनरोल कराने हैं या आपको नेम अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ईमेल आईडी अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है, जेंडर अपडेट कराना है या बायोमेट्रिक फ़ोटो या फिंगरप्रिंट आईरिस आपको अपडेट कराना है। तो अभी हमें लास्ट वाला अपडेट कराना है जिसमें बायोमेट्रिक हमें फ़ोटोज़ चेंज करानी है। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फर्दर इन्फॉर्मेशन्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पे लाइक आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसको कैप्चर पुट करना है। कैप्चर पुट करने के बाद इसको सेंड ओटीपी कर देना है। सिंपली सेंड ओटीपी करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपके सारी जो भी आधार की डिटेल्स हैं वो फैच कर ली जाती हैं। देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेरिफिकेशन टाइप में डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट ही रहने देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और डेटा आपको एंटर करना है। लाइक आपको नेम पूरा का पूरा नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपका अपना आधार नंबर डालना है। मैंने यहाँ पर नाम और अपना आधार नंबर डाल दिया है। देन उसके बाद रेजिडेंट टाइप में आपको इंडियन रेजिडेंट चूज़ करना है। देन उसके बाद अगर आपको फ़ोटो चेंज करानी है तो हमें लास्ट बायोमेट्रिक वाला चूज़ करना है ऑप्शन। इसमें हमारी फ़ोटोग्राफ को चेंज किया जाता है। मैंने लास्ट ऑप्शन पर टिक कर दिया है। देन इसको प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद एक फर्दर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, योर एज इज़ लेस देन 18 ईयर्स। तो आपका नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको एंड इसको प्रोसीड कर दीजिए। सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके मिलेगा। यहाँ पे आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। कॉर्नर पे लिखा हुआ है यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स नज़र आएगा, ये डिक्लेरेशन है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको सिंपली टिक करने के बाद लास्ट में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन है अपॉइंटमेंट का वो क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट की आईडी भी मिल चुकी है। आप इस नंबर का सेव कर सकते, इस नंबर को कहीं पे रिटर्न करके लिख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिसमें फर्स्ट है बुक एन अपॉइंटमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नियर बाय जो भी सेंटर है आधार सेंटर आपको वो सर्च करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसको पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नियर बाय सेंटर होगा तो आप पिन कोड डालेंगे तो वो आपका आ जाएगा। और अगर आपके पास पिन कोड से भी सर्च नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास फर्दर भी ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट डाल के भी फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से यहाँ पर अपने आधार सेंटर को फाइंड कर सकते हैं जो भी आपके घर के नियर बाय होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर अपना सेंटर जो भी है मैं उसका नाम डाल के यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ। यहाँ पर फाइंड करने पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ सेंटर का नाम डालने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर का नाम डाला, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, देन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। जो भी आपके एरिया में आधार सेंटर है उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे साइड में लिस्ट आ गई है मेरे यहाँ पर जितने भी आधार सेंटर हैं एंड यहाँ पर उसके आधार सेंटर के साथ उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पूरा एड्रेस आ गया है जिसमें आपको जाने में भी दिक्कत नहीं होगी।
एंड यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट। अगर आपको इन दोनों में से या कोई भी अगर और भी लिस्ट है उसमें से जो भी स्लॉट या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है एरिया आप उसके में बुक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा जिसमें आपको जितनी भी ग्रीन डेट्स दिख रहे हैं वो अवेलेबल सीट्स हैं, अगर आप उसमें अवेलेबल डेट्स हैं वो आपके लिए, और जो भी रेड है वो आपके फिक्स हो चुके हैं उसमें अवेलेबल सीट नहीं है। तो आप जो भी आपके ग्रीन है उसमें से चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वन डेट चूज़ करा, चूज़ करने के बाद आप देखेंगे आपके पास टाइम के स्लॉट्स आ जाएंगे, जितने भी अवेलेबल टाइम्स हैं आप उस टाइम में से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो टाइम का स्लॉट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। इसमें से एक डेट चूज़ करने के बाद आपको सिंपली इसको सबमिट करना है। मैंने यहाँ पे एक टाइम चूज़ कर लिया है अपना एंड मैंने इसको सिंपली इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कंफर्म योर बुकिंग, आपकी जो भी बुकिंग है उसको कंफर्म करने के लिए आपको आगे प्रोसेस करना है। इसमें यहाँ पर आपको सिंपली पे ऑफ सेंटर करना है एंड इसको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ की चार्जेस पे करने होंगे। आप जहाँ पर भी जाएंगे किसी भी आधार सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के चार्जेस पे करने होंगे एंड देन यहाँ पे आप सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी। जैसे आप PDF पे क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा, ये आधार अपडेट फॉर्म होता है। इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगी एंड अभी आपने जो भी सेंटर चूज़ किया है उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा एंड आपका अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगा, अपॉइंटमेंट टाइम आ जाएगा एंड जो भी आपका अमाउंट पे करना है 100 रुपीज़ का वो चार्जेस पे लिखे हुए आ जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।